हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम लोग गए दी फ्राइज प्रोजेक्ट पे, तो सोचा कि क्यों ना आपको भी साथ लेकर चलते हैं। तो देखते रहिएगा, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड मेक श्योर दैट यू लाइक आवर वीडियोस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। हमने बेसिकली उनका मेन्यू देखा। मेन्यू बहुत सिंपल था, बर्गर्स के कुछ ऑप्शंस हैं इनके पास अवेलेबल, आल्सो फ्रेंच फ्राइज के काफ़ी सारी ड्रेसिंग्स के साथ डिफरेंट फ्लेवर्स आपके मिल जाते हैं यहाँ पे, बर्गर्स भी हैं और इसके अलावा कुछ प्लेटर्स भी इन्होंने बनाए हुए अपने, तो बहुत सारे ऑप्शंस इसमें आपको मिल जाते हैं फ्रेंच फ्राइज के स्पेशली, क्योंकि ये फ्रेंच फ्राइज की प्लेस है स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे आपके चॉइसेस आपको बहुत मिल जाती हैं। तो मौसम बहुत ही अच्छा था साथ साथ इसके। कुछ ही देर के इंतज़ार के बाद एक्चुअली हमारा खाना आ गया, इतना टाइम नहीं लगा। हमारे फ्रेंच फ्राइज वार्म थे, फ्रेश बने हुए थे, बर्गर फ्रेश था, सो बेसिकली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इतना नहीं लगा। तो लेट्स डाइव इन कि कैसा है, और बच्चों से भी पूछते हैं कैसा लगा इनको। ये एक्सप्रेशन आप देख ही रहे होंगे, हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आयत का एक्सप्रेशन अपने आप को खुद ही दिखा रही है। शी लव्ड इट एक्चुअली। उसने गार्लिक मायो किया था ऑर्डर, और ये स्लो मोशन देखिए, चेक कीजिए और कैसे वो बहुत एंजॉय करके, आयत ने इसको एंजॉय करके खाया, फ्रेंच फ्राइज बड़े अच्छे लगे उसको। और ये रहे जी चीज़ वाले, चीज़ी सॉस थी इनकी बड़ी मशहूर, और जो कि हम रह नहीं पाए फिर, और इतनी लोडेड थी कि आप यकीन माने कि हर तरफ से वो बेसिकली गिर रही थी बाहर। और बर्गर भी इनका बहुत अच्छा था, बहुत जूसी था जैसे कि आप देख रहे हैं, और बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया और हमें बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। बर्गर बहुत अच्छा लगा बच्चों को, फ्रेंच फ्राइज बहुत अच्छे लगे। और ये देखिए, इवन बॉक्स के बॉटम तक, इसके ऑल द वे नीचे तक देखें तो आप चीज़ नीचे तक है, मतलब कि सिर्फ ऊपर से। Please don't forget to subscribe us. Thank you.